नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चुनवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व च कोरोना खिलाफ लड़ाई दौरान भारत वल्लों कीते गए यत्नां दी शलाघा कीती जा रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 170 करोड़ 21 लाख तों वध कोविड रोकू टीके लगाए गए। पंजाब च चोण प्रचार होया तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फतेहगढ़ साहब ते लुधियाना दे असैंबली हलकियां च भारतीय जनता पार्टी दे उम्मीदवारां लई वर्चुअल रैली नूं करनगे संबोधन। बहुजन समाज पार्टी दी सुप्रीमो मायावती अते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी अज नवां शहर च चोण रैली नूं संबोधन कर रहे ने। कांग्रेस दे चरणजीत सिंह चन्नी अज जलंधर विच रोड शो कर रहे ने। पंजाब दे मुख चोन अफसर दफ्तर वल्लों दिव्यांग वोटरां नूं सहूलतां देण लई इक वैबिनार राहीं पोल वलंटियरां नूं जागरूक कीता गया। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व च कोरोना खिलाफ लड़ाई दौरान भारत वल्लों कीते गए यत्नां दी शलाघा कीती गई। उन्होंने सेहत कामियां ते विज्ञानकां नूं वधाई दित्ती। प्रधानमंत्री अज राज्यसभा च राष्ट्रपति दे भाषण ते जवाब दे रहे सन। उन्होंने कहा कि कोरोना दे बावजूद MSP ते रिकॉर्ड खरीदारी कीती गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबां दे घर पक्के करन दे वादे ते अगे चलदे रहांगे। 5 करोड़ पेंडू परिवारां नूं पीण वाले पानी दी सहूलत पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना समय दौरान 80 करोड़ तो वध देश वासियां नूं मुफ्त राशन दिता गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अज विश्व विच भारत बारे सकारात्मक चर्चा हो रही है। दुनिया च भारतीय स्टार्टअप तीजे नंबर ते पहुंच गए ने। उन्होंने कहा कि किसानां दे खातियां च सीधे पैसे पहुंचाए गए ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई MSME रक्षा खेतर विच आ रहे ने। उन्होंने कहा कि हर मैंबर ने चर्चा दौरान अपने तजर्बियां दे आधार ते विचार पेश कीते ने। इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा कभी न जले ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत। देश विच कोविड महामारी खिलाफ जंग तेजी नाल जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 170 करोड़ 21 लाख तों वध कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके ने। पिछले 24 घंटिया दौरान 55,78,000 तों वध कोविड रोकू टीके लगाए गए। लगाए गए टीकियां विचों 92 करोड़ 25 लाख तों वध लोग पहली डोज अते 73 करोड़ 47 लाख तों वध दोवें डोजां लगाईआं जा चुकीआं ने। इस तों इलावा 1,53,26,000 तों वध योग उम्मीदवारां नूं एहतियाती खुराक दित्ती जा चुकी। इससे दौरान पिछले 24 घंटिया दौरान 1,80,000 तों वध कोरोना मरीज तंदुरुस्त होए ने, जिसके सिट्टे वजों भारत की तंदुरुस्ती दर 96.46% हो गई है। बीते दिन 67,000 नवे कोरोना मामले दर्ज किए गए, जिस नाल देश में एक्टिव मामलों की गिनती 9,94,891 हो गई। ज्यों ज्यों पंजाब च वोटां आउण दा दिन नेड़े आ रहा है, त्यों त्यों सियासी पार्टियां ते उम्मीदवारां वल्लों चोण प्रचार तेज़ कीता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दोपहर बाद पंजाब दे 2 लोकसभा हलकियां फतेहगढ़ साहिब अते लुधियाना दे 18 असैम्बली हलकियां च BJP अते गठजोड़ दे उम्मीदवारां लई वर्चुअल रैली नूं संबोधन करनगे। इस रैली दा लुधियाना तों वर्चुअल प्रसारण कीता जाएगा। BJP दे सूबा जनरल सकत्तर जीवन गुप्ता ने कहा कि COVID-19 दीआं हदायतां दी पालना करदिआं हर इक विधानसभा खेत्र विच 3-3 LED लगाईआं गईआं ने। इन्हां थावां ते 1,000 दी समर्था नाल कुर्सियां लगाईआं गईआं ने तां जो उम्मीदवार अते वर्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे विचार सुन सकन। वर्चुअल रैली नूं लै के गठजोड़ दे उम्मीदवारां ते वर्करां च खास उत्साह ए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अज पंजाब दे दौरे ते ने। BSP सुप्रीमो अज नवां शहर च चोण रैली नूं संबोधन कर रहे ने। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी इस रैली च शामिल हो रहे ने। उन्होंने कहा कि यह रैली कोविड हदायतों की पालना करदिआं करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता बहुजन समाज पार्टी के नाल है ते चोणां च पार्टी नूं वोटरां की पूरी हमायत मिलेगी।
कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी अज जलंधर विच पार्टी के उम्मीदवारों के हक विच रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने पहला जलंधर छौनी ते बाद विच शहर विच चोण प्रचार का प्रोग्राम है। इस दौरान चन्नी ने कल कनौर विच चोण रैली नूं संबोधन करदिआं कहा कि नवा पंजाब सिरजण लई रल के हमला मारन की लोड़ है। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर आगू ब्रह्म महिंद्रा ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री के अहुदे का उम्मीदवार ऐलानना स्वागत योग कदम है। उन्होंने कहा कि चन्नी ने करीब तीन महीने मुख्यमंत्री वजों शानदार काम किया है। जेडे तीन महीने चन्नी जी ने काम किया कैबिनेट उदे तो मैं कंपैरिजन दे विच जिन्ने फैसले हुए जिस ढंग नाल चन्नी जी ने कैबिनेट चलाई जिस ढंग नाल फैसले लाए और जिस ढंग नाल उन्हां दा विजन सीगा जिन्नी कलैरिटी सीगी और क्विक सी हर चीज़ क्विक सीगी और कैबिनेट नूं चलाउण दा जिहड़ा तरीका सीगा ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। केंद्रीय खेतीबाड़ी राज मंत्री कैलाश चौधरी ने श्री मुक्तसर साहब जिले के वख-वख पिंडां दा दौरा किया। इस दौरान पार्टी उम्मीदवार के हक विच रैलियां नूं संबोधन करदिआं उन्हां कांग्रेस सरकार ते दोष लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना नूं सूबा सरकार ने सही तरीके नाल लागू नहीं किया। उन्हां कहा कि इस नाल वड्डी गिनती च लोक इस योजना के लाभ लैण तों वांझे रहे। कैलाश चौधरी ने लोगों नूं बीजेपी दीआं नीतियां ते पहरा देण दी अपील कीती तां जो पंजाब दे विकास की गति नूं तेज़ कीता जा सके। पंजाब विधानसभा चोणां दौरान दिव्यांग वोटरां लई सुखावां माहौल अते ट्रांसपोर्ट सहूलतां उपलब्ध करवाउण दे मद्देनज़र मुख चोण अफसर दफ्तर वल्लों पोल वलंटियरां नूं दिव्यांग वोटरां दी सहूलत संबंधी जागरूक करन दे मंतव नाल इक वैबीनार करवाया गया। मुख चोण अफसर डॉ एस करुणा राजू ने कहा कि दिव्यांग वोटरां तक पहुंच लई कोई कसर नहीं छड्डी जा रही। उन्हां कहा कि इन्हां वोटरां दी मदद लई हर बूथ ते 10 वलंटियर तैनात कीते जाणगे। सूबे च 158,341 दिव्यांग वोटर ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल प्रदेश में जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली लॉन्च की थी और इस नूं राष्ट्रीय सिंगल विंडो नाल एकीकृत किया गया। इस सिंगल विंडो प्रणाली च ऑनलाइन 130 सनती सेवावां नूं ऑनलाइन कर दिता गया 160 तों वध होर सेवावां नूं इस प्रणाली नाल इस साल एकीकृत किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के सारे वर्गों के लोगों नूं लाभ पहुंचाने लई सनती वातावरण प्रणाली नूं मजबूत करन दी सरकार ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਸਲੋਗਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਠਹਿਰਨ ਵਕਤ ਨ ਜਾਣ ਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ ਜੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਮਾਣ ਲਓ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 170 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।